जय हिंद सभी भाइयों को, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक रिलेशन भर्ती की जानकारी बताने वाला हूं। तो भाइयों, अभी 1 EME सेंटर सिकंदराबाद की रिलेशन भर्ती आ चुकी है, जिसका बहुत से भाइयों को इंतज़ार था। जिन भाइयों का रिलेशन EME सेंटर का था, तो 1 EME सेंटर सिकंदराबाद में फिर से रिलेशन भर्ती आ चुकी है। और भाइयों, इस सेंटर का नोटिफिकेशन सेंटर से 27 अक्टूबर 2023 को निकल गया था। और ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये नोटिफिकेशन कम से कम 30-31 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है, जिसकी जानकारी मैं आपको अब डिटेल में अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 EME सेंटर सिकंदराबाद में जो भर्ती होनी है वो 9 दिसंबर को होनी है। और इसका सेंटर का जो लोकेशन है वो है 1 EME सेंटर बोलाराम सिकंदराबाद। और भाई, इस सेंटर में आपको 9 दिसंबर को पहुंच जाना है, जिन भाइयों को भर्ती देखना है। भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा भी सेल्फ सेंटर EME है और 1 EME सेंटर है, और जो कि सिकंदराबाद में है, और 3 EME सेंटर है जो कि भोपाल में है। और भाई, मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर में GD की भर्ती होनी है, और इस बार इसमें GD की भर्ती आ चुकी है, क्योंकि जो पिछली बार भर्ती हुई थी तो उसमें सिर्फ आपकी टेक्निकल की भर्ती हुई थी एक ट्रेड में, और आपकी एक भर्ती हुई थी ट्रेडमैन में, बाकी और किसी ट्रेड में भर्ती नहीं हुई थी। पर इस बार सभी ट्रेडों की भर्ती आ चुकी है। सबसे पहले आपकी GD की भर्ती होनी है, टेक्निकल की भर्ती होनी है, और क्लर्क की भर्ती होनी है। जिन भाइयों को लगभग दो दो तीन साल से इंतज़ार था कि EME सेंटर में क्लर्क की भर्ती काफ़ी सालों से नहीं आई थी, तो इस बार क्लर्क की भर्ती आ चुकी है। और ट्रेडमैन की भर्ती होनी है। भाई, मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडमैन में शेफ़ कम्युनिटी और ड्रेसर और सपोर्ट स्टाफ, इसमें आपको 10th पास में भर्ती है, बाकी 8th पास में इसमें कोई भर्ती नहीं है। और जो भाई स्पोर्ट्स से भर्ती देखते हैं, ओपन कैटेगरी वाले, तो उनके लिए भी GD में भर्ती है। और उनका यहाँ पे गेम भी बता दिया गया, स्विमिंग, डाइविंग और वॉलीबॉल। और भाइयों, अगर आपको सेंटर में भर्ती देखने को जाना है तो आप कोटेश्वर द्वार 4 ट्रेनिंग बटालियन 1 EME सेंटर सिकंदराबाद में आपको जाना होगा। और एंट्री टाइम सुबह 6 बजे है, तो इससे पहले ही पहुंच जाइएगा। भाई, मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर का थोड़ा भर्ती का प्रोसेस अलग है, क्योंकि मैंने इस सेंटर में भर्ती देखी है 3 EME सेंटर भोपाल में, तो मुझे इस सेंटर के भर्ती के प्रोसेस के बारे में अच्छी तरीके से पता है। जैसे आप उस दिन 9 तारीख को जाएंगे, सभी ट्रेडों के बच्चे, चाहे GD हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, या फिर स्पोर्ट्स वाले बंदे जो ओपन कैटेगरी के आते हैं, तो उस दिन आपकी रनिंग नहीं होगी। उस दिन आपको सिर्फ टोकन मिलेगा, आपको लाइन पे लगना पड़ेगा और टोकन मिलेगा। फिर उस टोकन के हिसाब से आपको अपने अलग अलग ट्रेड के हिसाब से आपको रनिंग करने का डेट दिया जाएगा। तो उस दिन आपको उस टोकन को लेकर आपको रनिंग करने के लिए सेंटर में आना पड़ेगा, और उस टोकन में आपका बैच नंबर, आपका ट्रेड नंबर, जो जिस ट्रेड से आपने भर्ती देखना है वो उसमें लिखा रहेगा, और आपका टोकन नंबर लिखा रहेगा। और जिस दिन आप भर्ती देखने को जाएंगे तो उस दिन आपको उसमें बैच नंबर भी लिखा जाएगा। भाइयों, इस सेंटर का थोड़ा भर्ती का प्रोसेस अलग है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी एक दो और बता देता हूँ। जैसे कि भाइयों, इस सेंटर में जो भर्ती होनी है, तो आपकी GD की है, टेक्निकल की है, क्लर्क की है, और ट्रेडमैन में मैंने आपको बता दिया था इसमें कौन कौन सी ट्रेड हैं। और इन सभी में 17.5 से 21 साल एज लिमिट है, और 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें भर्ती देख सकते हैं। और अगर किसी भाई को कोई भी डाउट हो भर्ती से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद सभी भाइयों को।